नमस्कार सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में एक सुंदर सी मेल हथेली आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है यहाँ पे सीधा सीधा एक दो चीजों पे चलते हैं फिर सारी बातें करते हैं देखिएगा जो इनकी ये इंडेक्स की फिंगर है इसके जो ये मूल भाग है इसमें बृहस्पति देवता निवास करते हैं देव गुरु बृहस्पति इस मूल भाग में निवास करते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह नक्षत्र होते हैं ठीक है ना? यहां पे अगर इस प्रकार का ये इस प्रकार का दिख रहा है आप ये चतुष्कोण अगर बन जाए तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये कुशल प्रशासक होते हैं और साधारण घराने में जन्म लेकर भी ये अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में सम्मान पाते हैं प्रतिष्ठा पाते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज्ञानी होते हैं ब्रिलियंट जिसको कहते हैं ठीक है ना? और अगर बृहस्पति पुष्ट और सुंदर हो तो कुछ विशेष क्षेत्र हैं जिनमें इनको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो चाहे चिकित्सा का हो चाहे वाणिज्य का हो या कानून का क्षेत्र हो या अपना कोई कार्य हो अपना बिजनेस हो ये एक ब्रांड बनकर उभरते हैं लेकिन यहाँ पे देखेगा यहाँ पे क्या चीज हो रखी है कि आपका जो बृहस्पति का पर्वत है ये पूरी तरह से जो है ऊर्जा विहीन है ऊर्जा नहीं प्रोवाइड कर रहा है जब ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है साधारण अवस्था में रहता है तो क्या होता है ये आपकी हथेली में साधारण अवस्था में है तो आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं सामान्य व्यक्तित्व की तरफ आपको ले जा रहे हैं यह निश्चित है लेकिन जब ये कमजोर अवस्था में हो जैसे आपकी हथेली में हो कितने भी अच्छे चिन्ह बन रहे हो लेकिन कुछ चीजें ये आपके जीवन में देती हैं ऐसे में आपके अंदर चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो किसी चीज की कि कितना भी अच्छा ज्ञान हो लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है मिल भी गया तो आप उसको सही से यूज नहीं कर सकते ऐसे में क्या होता है कि अगर विवाह नहीं हुआ है ज्यादातर मामले में तो शादी नहीं हो पाती है निश्चित देख लीजिएगा आप बहुत लंबी उम्र हो जाती है लेकिन व्यक्ति की शादी नहीं हो पाती है कोई ना कोई अड़चन आती है आग मानी शादी का सुख नहीं मिलता है अगर मिल भी गया शादी हो भी गई तो उसका जो चरम सुख का भोग है ना उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है संतान को लेकर व्यक्ति को चिंताएं रहती हैं पैतृक संपत्ति का सही से लाभ नहीं मिल पाता है और धन के मामले में भी कहीं ना कहीं मामला बहुत अच्छा नहीं रहता है और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए बृहस्पति अगर इस प्रकार से कमजोर हो तो वो सुख दब जाते हैं और जब बृहस्पति इस प्रकार से हथेली में कमजोर हो विशेष प्रैक्टिकल रूप में देखेगा अगर आपकी कुंडली में या अंक ज्योतिष के हिसाब से या अन्य कोई ज्योतिषीय शाखाएं हैं उनके हिसाब से कितना भी ये प्रबल है बहुत अच्छे भाव में बैठा हुआ है राजयोग दे रहा है लेकिन हथेली में अगर ये कमजोर है तो आपको हथेली के ही प्रभाव अपने जीवन पर पड़ेंगे ये होगा ही होगा आपके साथ इसलिए हथेली में पुष्ट करना बहुत जरूरी है हथेली एकदम एकट बताती है जीरो पॉइंट वन परसेंट भी किंतु परंतु नहीं बताती है ये जब बृहस्पति ऐसा हो तो व्यक्ति को एक गुरु नहीं मिलता है गुरु मतलब शिक्षा देने वाला शिक्षक टीचर सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं जीवन में ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है अपने आप को ऐसा व्यक्ति अकेला महसूस करता है अगर गुरु इस प्रकार से हो ठीक दूसरा क्या चीज है ऐसे में व्यक्ति पूजा पाठ तो करता रहता है लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिलती है ये सबसे बड़ी चीज है इसकी इष्ट कृपा नहीं मिलेगी आप कितना भी पूजा पाठ करो कैसे भी यंत्र धारण कर लो अब दूसरा यहाँ पे देखिएगा क्या दिख रहा है आपका चंद्रमा चंद्रमा बिल्कुल अनबैलेंस है तो व्यक्ति का ऐसे में मन गड़बड़ रहता ही रहता है ये मानसिक परेशानी से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है ये बहुत ज्यादा भावुकता व्यक्ति के अंदर दे देता है कई बार तो बात से बात बात पे आंख से आंसू आ जाते हैं या ये इमोशनली व्यक्ति को परेशान कर लेता है चंद्रमा अनबैलेंस हो जाए हथेली में इस प्रकार से तो ये मन को अच्छा नहीं रखता है मन उचाट हो जाता है कई बार मन भटकता है कई बार मन की एकाग्रता भंग हो जाती है मन अच्छा नहीं रहता है काम यहाँ कर रहे मन कहीं और गया हुआ होता है और कई बार मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो कई बार क्या होता है मन सही नहीं होगा तो पेट भी सही नहीं होता है ठीक है ना ऐसे में मां का जो प्रॉपर तरीके से सुख है वो प्राप्त नहीं होता है चंद्रमा अगर इस प्रकार से खराब हो तो नींद आने में भी दिक्कतें आ जाती हैं कई बार आपने देखा होगा व्यक्ति बिना वजह के ही समाज में विलेन बन जाता है चंद्रमा तन मन और धन तीनों चीजों का कारक है अगर चंद्रमा अनबैलेंस है तो धन की दिक्कतें तो आएंगी स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें भी आएंगी ठीक है ना? और मन भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा तो इसलिए आपको अपने बृहस्पति को और अपने जो है चंद्रमा को ठीक करना है अब यहां पे चीजें बहुत अच्छी भी हैं, लेकिन आप अगर वास्तव में देखें तो बुद्धादित्य राजयोग बन तो रहा है लेकिन राजयोग का फायदा नहीं मिल पा रहा है जिस प्रकार से मिलना चाहिए इसको ठीक यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है आपकी हथेली में दोष नजर आ रहा है क्या दोष नजर आ रहा है दोष नजर आ रहा है दोष से क्या होता है कि आप जिन सदस्यों के बीच रहते हैं ने, अपने परिवार के कहीं ना कहीं आपके अंदर हल्की फुल्की मतभेदता रहती है दूसरी बात घर में जो अंदरूनी खुशियां होनी चाहिए वो खुशियां कहीं ना कहीं शिथिल हो जाती ये खुशियों को निकाल लेता है तीसरा क्या होता है ऐसे में घर में जो मांगलिक कार्य होने चाहिए ज्यादातर मामले में शादी वगैरह नहीं हो पाती है ठीक है ना और शादी हो भी गई तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं चलता है चल भी गया तो संतान को लेकर चिंताएं रहती हैं काम धाम को लेकर व्यक्ति वो उन्नति नहीं कर पाता है जिसको कहते हैं ना एक लेबल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना वो नहीं हो पाता है इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है सही से तो यहाँ पे पितृदोष स्पष्ट दिखाई दे रहा अब क्या करेंगे आप पितृदोष के लिए क्या करना है जब ये श्राद्ध पक्ष आते हैं या किसी भी महीने की अमावस्या की तिथि आती है तो अपने पितरों के निमित्त कुछ क्षेत्र हैं भारत में दो तीन क्षेत्रों के बारे में तो मैं मुझे भी मालूम है उनका नाम एक गया है एक उत्तराखंड के हरिद्वार क्षेत्र में आ, गंगा के किनारे जो है नारायण शिला है और एक इस पृथ्वी पे जो बैकुंठ धाम है जिसको भू बैकुंठ कहते हैं इस पृथ्वी का बैकुंठ भगवान बद्री नारायण जहाँ रहते हैं भगवान बद्रीनारायण बद्रीनाथ जी वो अलकनंदा के किनारे जो है एक ब्रह्म का पाली है अगर इन जगहों पे आप अपने पितरों के निमित्त नारायण बलि करते हैं तो यकीन मानिएगा आप पित्र दोष से मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में जो चीजें बहुत पिछड़ गई हैं, वो आपको जो है ये चीजें दिलाएंगे तो सबसे बड़ा उपाय है आपको अपने पितरों के निमित्त जो है ये नारायण बलि करानी ही करानी होगी पितर दोष से आपको मुक्त होना होगा तभी आपके जीवन में सब कुछ आएगा तो इस चीज को जरूर करें आप ठीक अभी अगर आप जो है सोचेंगे कि शादी नहीं हुई शादी करना चाहता हूँ तो उसमें अड़चने आएंगे अभी नहीं दिखा रहा है अगर शादी हो भी गई होगी तो दांपत्य जीवन का जो चरम सुख का हो गए उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी कर रहा है दूसरा अगर आप अपने काम करने की सोच रहे हैं तो अभी कम से कम दो वर्षों तक आपको रुकना पड़ेगा क्यों क्योंकि देखेगा बृहस्पति और चंद्रमा ठीक नहीं है और आपकी करियर और धन की रेखा की एक रूपता भी अच्छी नहीं है तो ये कहीं ना कहीं जो है आपको नुकसान दे सकता है दो वर्ष के बाद योग बन रहे हैं आप कर सकते हैं निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा हाँ पार्टनरशिप में अभी किसी काम को ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ठीक ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से कह रही है हाँ आपको अचानक बहुत बड़ी सफलता भी मिलने जा रही है आगे जाके जो आपकी प्रतिष्ठा को दिन दोनी रात चौगनी बढ़ाएगा और आर्थिक तौर पे आपको मजबूती देगा लग्जरियस जीवन की ओर आपको ले जा रहा है लेकिन दो वर्ष तक थोड़ा सा आपको संघर्ष भी मिलेगा उतार चढ़ाव भी झेलने पड़ेंगे हो सकता है और स्थिरता का सामना भी करना पड़े ठीक है ना लेकिन आगे चलकर बेहतरीन स्थिति आपकी आ रही है धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी ये ठीक है यहाँ तक लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसकी तरफ झुक गया है तो आपको कामयाबी तो बहुत अच्छी मिलेगी लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी कई बार दौड़ा धोपी का काम भी आपको करना पड़ेगा ठीक है ना इसके बीच में गैप है जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि महाराज जी साढ़े साती में होंगे ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे तब तब आपको इसका प्रभाव गहरा और लंबा पड़ेगा कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर क्या पड़ेगा ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी दिखाई देगी लेकिन यश पाने की इच्छा नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी यहाँ पे इससे बड़ी है और इससे छोटी है तो बुद्धादित्य राजयोग बना रहा है आगे जाके व्यापार के बहुत अच्छे योग हैं और बड़ी सफलता भी यहाँ पे दिखाई दे रही है लेकिन दो वर्ष के बाद ही अगर आप व्यापार करें तो ज्यादा अच्छा लाभ होने वाला है और इतना नहीं रुक सकते तो अट्ठारह महीने तक तो जरूर रुके नहीं तो कहीं ना कहीं आपको संघर्ष झेलना पड़ेगा नुकसान की अवस्था झेलनी पड़ेगी लेकिन आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है और इस रिस्क लेने में इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी बहुत अच्छी है धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है और इसका आगे चलकर लाभ होने वाला दिखाई दे रहा है ये इसके पहले पौर्वे तक है ये बता रहा है कि आगे स्थितियों के अच्छे होने पर अगर आप बिजनेस करते हैं तो उत्कृष्टता हासिल होगी बहुत अच्छे व्यापारी आप बन जाएंगे अगर नौकरी की तरफ चले गए तो नौकरी में भी अच्छा पद आपको मिलेगा प्राइवेट नौकरी में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व तो रहेगा बहुत अच्छी सफलता आप अपने जीवन काल में पाने वाले हैं दो कारणों से क्योंकि बुद्ध आपको दे रहा है बहुत शानदार क्या दे रहा है दो कारण जिन कारणों से आपको सफलता मिलेगी आपका केतु तो भी बता रहा है खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर डेवलप हो रहा है उसके कारण आपको सफलता मिलेगी दूसरा आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है जिसके कारण आप सफल होंगे एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका लाभ दिखाई दे रहा है लाभ होगा यहाँ पे जीवन रेखा देखे तो इन दोनों के बीच में ज्यादातर झांकती हुई दिख रही है और देवगुरु बृहस्पति का और कर्म स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है थोड़ा भावुकता ज्यादा रहेगी दयावान व्यक्ति तो रहेगा दयालु ज्यादा रहेंगे दूसरों की मदद करने वाली भावना बहुत अच्छी आपके अंदर है इसका आपको लाभ भी होगा लेकिन धीरे धीरे ये महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है ठीक है ना आपको महत्वाकांक्षी बना रहा है सोच आपकी धीरे धीरे पॉजिटिव हो रही है ये अच्छे संकेत हैं ठीक है ना और आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है और इसके लिए इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे भी ये भी बहुत अच्छी चीजें यहां पे दिख रही है अब यहां पे देखिएगा एक लकीर ये आ रही है और यहां पे विष्णु का तिलक बना रही है आपके जो इष्ट है ना वो भगवान विष्णु है आपको गुरु की सेवा करनी पड़ेगी गुरु की सेवा आप गुरु में कौन कौन आता है आपका पुरोहित हो सकता है आपने जिससे दीक्षा ले रखी वो हो सकता है या आप जो है हमारे सिख पंथ में चले जाएगा तो वो गुरु की ही उपासना करते हैं तो आपको गुरु की उपासना करनी पड़ेगी या भगवान विष्णु की उपासना करनी पड़ेगी अगर आप पूरा समर्पण करते हैं तो दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी और बहुत बड़ा सम्मान आप अपने जीवन काल में पाएंगे ये आपके अंदर की क्रिएटिविटी को बता रहा है लेकिन वर्तमान समय में ये थोड़ा सा चिंतातुल स्वभाव दे रहा है लेकिन बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और इसका लाभ आपको जरूर होगा अपने जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे जन्म स्थान में रहकर बहुत ज्यादा उन्नति नहीं कर पाएंगे ठीक है ना और अंत में मोक्ष की स्थिति है बहुत अच्छी चीज है करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी नहीं है टूट टूट कर आगे बढ़ रही है ठीक है ना तो मैं आपको बृहस्पति का और इसका उपाय दे दूंगा आप जरूर करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा अब अगर हम देखेंगे तो शुक्र पे धीरे धीरे वर्टिकल रेखाएं उभर रही है कार्य के प्रति जुझारोपण बढ़ने वाला है जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और यही चीज आपको तरक्की बहुत अच्छी दिलाएगी शुक्र का पर्वत पुष्ट और सुंदर स्थिति में है आगे चलकर शुक्र का प्रभाव जीवन पर ज्यादा रहेगा अपने को मेंटेन रखना अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना अपने को सज संवार कर रखना ये चीजें ज्यादा रहेंगी नई चीजों के प्रति रुझान रहेगा चाहे नए प्रकार का फैशन हो नए प्रकार के कपड़े हो या नए प्रकार की कोई मार्केट में टेक्नोलॉजी हो भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत, बहुत ज्यादा आकर्षण रहेगा चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो यहाँ पे देखा जाए वर्तमान में थोड़ा सा जालनुमा बन रहा है तो किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच भी रहे हैं चिंता भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो भी उसमें पूर्णता नहीं आ रही है अभाव की स्थिति दिखाई दे रहा है और ये धीरे धीरे मानसिक रूप से आपको थोड़ा सा तनाव की स्थिति डिप्रेशन की स्थिति में ले जा रहा है एंजाइटी की स्थिति में ले जा रहा है ठीक है ना? और सुख का जो भोग है उसके बीच में कहीं ना कहीं परिस्थितियां खड़ी कर रहा है लेकिन आपको शुक्र से नहीं छेड़ रहा है आपको बृहस्पति को ठीक करना है तो शुक्र अपने आप अपना फल बहुत अच्छी स्थिति में देगा निम्न मंगल और उच्च मंगल देखे थोड़ा गुस्सा ज्यादा रह सकता है ठीक है ना तो इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं वो नहीं कर पाएंगे तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं इन दोनों में से एक क्रिया जरूर करें जिससे पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा इसके बारे में हमने बता दिया है शनि की स्थिति अच्छी है लाभ होगा सूर्य थोड़ा सा जो है धूप वगैरह में ज़्यादा निकले ठीक है ना? यहाँ पे सूर्य थोड़ा सा अनबैलेंस है सूर्य के अनबैलेंस होने के कारण थोड़ा सा जो है शारीरिक परेशानियाँ भी ये खड़ी करता है और किस्मत जिस प्रकार से चमकनी चाहिए अंदरूनी खुशियाँ जिस प्रकार से उभरनी चाहिए उत्साह जो होना चाहिए जो उमंग होनी चाहिए जो जीवन की ऊर्जा होनी चाहिए जो धन होना चाहिए उसमें हल्की कमी कर सकता है तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें लाभ होगा बुद्ध आपका बहुत अच्छा है वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी लाभ होगा चंद्रमा के बारे में मैंने बता दिया है। कुल मिला के बात करें, तो यहाँ पे केवल और केवल आपका एक दोष है उसको ठीक करना है आपने बृहस्पति ठीक करना है और चंद्रमा को ठीक करना है इन दोनों का उपाय दे रहा हूं अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय है वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ आप प्रॉपर तरीके से करिएगा निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा जितना मन से करेंगे जितना जो है उसकी विधि के अनुसार करेंगे और जितना उसका ध्यान रखेंगे आपके अंदर जितनी श्रद्धा होगी उसके अनुसार आपको निश्चित तौर पे इसके परिणाम देखने को मिलेंगे बाकी अगर कुछ रहता है आप ऑडियो के माध्यम से आप सॉरी लिख करके ऑडियो मेरा थोड़ा लैंग्वेज ज़्यादा समझ में नहीं आएगी आप लिखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा लिख करके पूछ लीजिएगा तो मैं निश्चित रूप से आपको ऑडियो के माध्यम से या लिख करके उसका उत्तर दे दूँगा बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगा तब तक के लिए नमस्कार